ओए हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में ये गोविंद सागर झील का अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं और इसी झील में जल्द ही आपको वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां देखने को मिलेंगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो यहां पे लोकार्पण करेंगे। आज हम आपको एक बार फिर यहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये जगह है। इसके ऊपर गोविंद सागर झील के अंदर जो ये फ्लाईओवर बनाया गया है और साथ में यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ यहाँ पर शुरू होने वाली है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है, जब गाड़ी इस फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरती है तो गोविंद सागर झील के जो नज़ारे हैं वो पर्यटकों के मनों को मोह लेते हैं। आसपास की ऊंची पहाड़ियाँ और बीच में गोविंद सागर झील मानो की प्राकृतिक सौंदर्य का अपार छटा बिखेर रहा। ये पहाड़ियों के बीच बसा गोविंद सागर झील का नज़ारा श्रद्धालुओं के मनों को मोह लेता है, पर्यटकों के मनों को मोह लेता है। जो भी श्रद्धालु मणिकर्ण या अन्य स्थानों पर दर्शनों के लिए आएंगे वो भी यहाँ पहुँचेंगे वाटर स्पोर्ट्स गेम्स का लुफ्त उठाने के लिए। और पर्यटक तो यहाँ पर आएंगे जो कुल्लू मनाली घूमने वाले पर्यटक हैं, तो वाटर स्पोर्ट्स का क्रेज़ लोगों में काफ़ी देखने को मिलता है। और ये क्रूज़ है जिसका हमने आपको पहले भी पूरे विस्तार से इसका वीडियो हम दिखा चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के साथ आप जुड़े हैं और मेरी आपसे प्रार्थना भी है कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सभी को इस वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जानकारी प्राप्त हो सके। ये पौड़ियों का रास्ता बनाया गया है और यहीं से देखिए आप ये गोविंद सागर झील और ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर से गुजरते ये वाहन। बहुत ही अद्भुत ये नज़ारा है। और बीच में सिकारा भी यहाँ पे पहुँच चुका है जिसका हम आपको पहले भी वीडियो दिखा चुके हैं और अब आप लाइव देख सकते हैं कि वो सिकारा सामने नज़र आ रहा है। जल्द ही बिलासपुर में पर्यटन के जो है पंख लगने वाले हैं और जिलाधीश बिलासपुर आबिद हुसैन के प्रयासों से ये सारा संभव हो पाया है। सामने ये हरी भरी पहाड़ियाँ और बीच में गोविंद सागर झील और साथ में ये वाटर स्पोर्ट्स आप हर और ये क्रूज है जो बिना जगत के अलाउ नहीं इधर कोई बात। तो ये पूरा आप देख सकते हैं।
जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है इस वीडियो को तो ये माता जी के दरबार में हिमाचल के शक्तिपीठ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं वो भी यहाँ वाटर स्पोर्ट्स को लेकर उन पे भी काफ़ी क्रेज रहेगा और कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटक तो यहाँ होकर गुजरेंगे ही। तो ये गतिविधियाँ जल्द शुरू होने वाली है। गोविंद सागर झील का नज़ारा वैसे ही देखने में बहुत मनमोहक रहता है, लेकिन जब वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां शुरू होंगी तो इसे सोने पे सुहागा आप कह सकते हैं। और जल्द यहां पर आपको ये गतिविधियां देखने को मिलेंगी। सारा साजो सामान यहां पहुंच चुका है और मात्र अब इसकी उद्घाटन के बाद ये यहाँ पर शुरू होने वाला है। जो भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं उनसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि गोविंद सागर जो झील के जो अद्भुत नज़ारे हैं ये सभी को नज़र आ सके। और यहाँ पर जो गतिविधियाँ शुरू होने वाली है इसके बारे में सभी को पता चल सके। Yeah.